नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सीएम साइंस कॉलेज में सोमवार को शिक्षक दिवस समारोह सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्तमान परिपेक्ष में शिक्षक छात्र संबंध दशा व दिशा विषय पर संगोष्ठी सह परिचर्चा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा एवं प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने की, जबकि अतिथियों का स्वागत आयोजन सचिव डॉक्टर विश्व दीपक त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत डॉक्टर अमित कुमार झा के द्वारा प्रस्तुत वैदिक मंगल आचरण के बीच अतिथियों के हाथ समवेत रूप से दीप प्रज्वलित कर हुई। अंग्रेजी विभाग की शिक्षिका डॉक्टर आर्यका पॉल के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में संगोष्ठी के प्रस्तावित विषय पर अपने विचार रखते हुए प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने कहा कि आज के समय में तीव्र आर्थिक उपार्जन की लालसा एवं द्रुत गति से सफलता पाने की चाह के कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था शिक्षक एवं छात्रों के बीच संबंधों के पतन का मुख्य कारण बन रही है। तो सारा केंद्र अर्थ के अधीन हो गया और अर्थ भी शासन का नियमन करने लगता है और चिंतन का नियमन करते हैं। यह व्यवसायीकरण आज शिक्षा व्यवसाय हो गया, हम व्यावसायिक प्रोफेशनल हो गए, हम गुरु नहीं रह पाए, आप विद्यार्थी नहीं रह पाए, हम आपके फेलिसिटेटर हो गए, हम आपके लिए पूज्य आदरणीय से ज्यादा विश्वसनीय रिसोर्स पर्सन, हमारी शिक्षा का विभाग भी ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो जब यह स्थिति आती है तो जो आज की दशा है वह उसकी स्वाभाविक बात है कि इसमें विचारणीय विषय बनकर बड़ा आपके मन में इस संबंध पर विचार किया जाए। तो इस संबंध पर विचार किया जाए बंधु, तो पहले तो यह मैं नहीं कहता कि पीछे की तरफ लौटो, आप पीछे नहीं जा सकते। आज जो कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट है उसका लाभ हमें लेना, लेकिन मनुष्य अगर केवल यह सोचे कि हम लाभ लेने वाले हैं, जो लाभ देने वाला है, हम यह विवेक नहीं करें कि लाभ है तो लेकिन कितना और क्या देना है, कितना और क्या देना है। अभिभावक प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी, दूसरे अतिथि प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी, मंच पर आसीन फिजिक्स के शिक्षक सफल सर यूके दास जी, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले त्रिपाठी जी और मंच संचालन कर रही अलिका पॉल जी, हमारे सम्मुख बैठे कोटनी के विभागाध्यक्ष दिलीप जी, जुलॉजी विभागाध्यक्ष आरती जी, मैथमेटिक्स के अभय सिंह जी, हिंदी के दिनेश शाह जी एवं समस्त शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधु, आज का विषय शिक्षक छात्र संबंध दिशा और दशा। इसी महाविद्यालय में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और क्या संबंध शिक्षकों के साथ और शिक्षकों का क्या संबंध छात्रों के साथ। ठीक कहा हमारे दोनों अतिथियों ने, बहुत विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया अपनी भावनाओं को और बहुत ऊंचे विचार।
हजारों से अवगत कर। एक छोटा भाई बड़े भाई का संबंध, एक अभिभावक का संबंध, एक पिता पुत्र का संबंध, बहुत अच्छा संबंध एक रहता है। आज हम जिनके इस महान व्यक्तित्व के जयंती मनाता हूं 5 सितंबर को, वो दो बार उपराष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति बने, राजदूत बने, लेकिन अपने शिक्षक रूप को कभी उन्होंने बदला नहीं। और उस जमाने में आज जो विदेश के लिए ललायित है, विदेश के लोग राधा कृष्ण जी को सुनने के लिए ललायित है। हमने